Good morning, students. Today we will discuss another topic, which is excretion. So, excretion may be defined as separation and elimination of metabolic wastes from the body. Okay, what is excretion? Separation and removal or elimination of metabolic wastes from the animal body. This is called excretion. Or we can also say the term excretion is generally used for the elimination of nitrogenous waste product from the animal's body. Okay, so अगर हम बात करें कि जो nitrogenous waste body के अंदर बन रहे हैं या यूं कहें कि metabolic wastes जो body के अंदर बन रहे हैं उनको separate करना और उनको body से बाहर हटाना है ना, body से remove करना, वही process क्या कहलाएगा आपका, excretion कहलाता है. क्यों बॉडी से इनको बाहर करना जरूरी है? क्योंकि ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रहे हैं या वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहे हैं वो बॉडी में टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ा देंगे. तो इसीलिए हमें टाइम टू टाइम ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं या जो मेटाबॉलिक वेस्टेज बनते हैं उनको बॉडी से रिमूव करना जरूरी होता है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं. तो ये जो एक्सक्रीशन है किसके थ्रू किया जाएगा हमारी बॉडी के अंदर, एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा किया जाएगा. तो पहले हम लोग बात करें कि मेटाबॉलिक वेस्ट बने कैसे और कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो बने और जिनको हमें रिमूव करना जरूरी है. तो यहाँ पे हम देखिए, सबसे पहला मैंने लिखा है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट. कैसे बने उसके बारे में थोड़ा सा बात कर रहे हैं हम लोग. तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स जो हम ग्लूकोज डाइट के अंदर लेते हैं, उसका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है, वो ऑक्सीडेशन मैकेनिज्म में जाता है और उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा, कार्बोहाइड्रेट दैट मीन्स ग्लूकोज, तो जो भी हम लोग खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट का जो फूड मटेरियल होगा, प्रोडक्ट होगा, उसको जब हम डाइजेस्ट करते हैं तो उसके बाद जो सिंपल प्रोडक्ट बनता है वो होता है ग्लूकोज. तो ग्लूकोज जो होगा वो सबसे पहले जाता है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर और जिसकी वजह से क्या बनता है, पाइरुविक एसिड और वी कैन से पाइरुवेट का निर्माण होता है. ठीक है, एंड देन पाइरुविक एसिड और पाइरुवेट जो है वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल के अंदर और क्रेब्स साइकिल में बहुत सारा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज एनएडीपीएच एंड FADH2 का निर्माण होता है. तो दैट मीन्स देखिए कि जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोलाइसिस में क्या, जिसकी वजह से पाइरुविक एसिड या पाइरुवेट बना और पाइरुविक एसिड जो है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा और जिसकी वजह से मेटाबॉलिक वेस्ट दैट मीन्स वाटर और CO2 का निर्माण होगा. ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन के द्वारा कौन सा मेटाबॉलिक वेस्ट का निर्माण होता है, वाटर एंड CO2. तो वाटर जो होगा वो तो बॉडी के अंदर यूज होता रहता है, मेटाबॉलिक वाटर जो होगा जो बनता है इस तरह से वो कई बार बॉडी के अंदर यूज होता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो हम यूरिन के साथ डिस्चार्ज कर देते हैं. ठीक है, और जो CO2 होगा वो किसके थ्रू हम लोग एक्सक्रीट करेंगे बॉडी में, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू. तो जब हम एक्सहेलेशन करेंगे तो वो उसके द्वारा हम एक्सेस अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो बाहर रिलीज कर देंगे. तो क्या बना है यहाँ पे, इसके द्वारा वाटर और CO2 का निर्माण हुआ. सिमिलरली आप देखिए कि हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन यानी RBC के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है. तो ये जो RBC है इनका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 डेज. तो 120 दिन के बाद ये जो RBC डेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी, है ना. तो ये जो और कौन से पाथवे के अंदर चली जाएगी, प्रोग्राम सेल डेथ पाथवे के अंदर या यू कहें एपोप्टोसिस के अंदर चली जाएगी. ठीक है, तो ये जो RBC 120 डेज का अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट कर लेती है तो उसके बाद इनका जो हीमोग्लोबिन है वो लीवर के अंदर उसे ब्रेक डाउन कर लिया जाता है दो पिगमेंट के अंदर, जिसे हम कहते हैं बिलीरुबिन एंड बिलवर्डिन. ठीक है, बिलीरुबिन और बिलवर्डिन क्या थे, व्हाइट पिगमेंट थे जो कि येलो कलर का और येलो ग्रीन कलर का थोड़ा सा होता है. तो ये जो पिगमेंट बनते हैं वो किसके ब्रेकडाउन से बन रहे हैं, हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से. सो दीज आर ऑल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये भी क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ओके, तो
हम क्या देख रहे हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट कौन कौन से बन रहे हैं। तो पहले हमने देखा कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के द्वारा क्या बना, वाटर एंड CO2 बना। सिमिलरली जो आरबीसी के अंदर रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसके ब्रेकडाउन से क्या बना, बिलिरुबिन और बिलिर्डिन बना। ठीक है, अब आप और देखिए जो हम लोग प्रोटीन डाइट लेते हैं, खाने के अंदर जो प्रोटीन होता है उसका भी डाइजेशन होता है और उसके डाइजेशन के बाद क्या बनेगा, अमीनो एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या बनते हैं, अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो ये जो अमीनो एसिड्स का निर्माण हो रहा है, या तो कुछ अमीनो एसिड्स तो जो है वापस से प्रोटीन के सिंथेसिस में यूज कर लिए जाते हैं और कुछ अमीनो एसिड जो है एक्सेस अमीनो एसिड जो है वो क्या किया जाता है, एक्सेस अमीनो एसिड को डीअमिनेशन कर लिया जाता है। क्या किया जाता है, डीअमिनेशन किया जाएगा। डीअमिनेशन दैट मीन्स रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड। क्या किया जाएगा, अमीनो एसिड का डीअमिनेशन। मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों से कि जो अमीनो एसिड है वो यूज किया जाएगा, किसमें यूज किया जाता है, प्रोटीन के निर्माण में यूज किया जाता है, लेकिन एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड जो है वो क्या किया जाएगा, उसको डीअमिनेट कर दिया जाएगा। तो उस डीअमिनेशन में क्या किया जाता है, एक्चुअल में रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, यानी अमीनो एसिड में से अमाइनो ग्रुप को रिमूव कर लिया जाता है एंड देन इट गेट कन्वर्ट इनटू आइदर अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। ठीक है, तो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड है वो या तो उसका डीअमिनेशन हो जाएगा और डीअमिनेशन के बाद कौन से नाइट्रोजनस गैस प्रोडक्ट का निर्माण होगा, अमोनिया का, यूरिया का और यूरिक एसिड का निर्माण हो जाएगा। तो दैट मीन्स सेपरेशन एंड इलिमिनेशन ऑफ दीज नाइट्रोजनस वेस्टेज फ्रॉम द एनिमल्स बॉडी, दिस प्रोसेस इज एक्चुअली नोन एज एक्सक्रीशन। समझ में आ गया आप लोगों को। तो ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको बॉडी से हटाना जरूरी है, रिमूव करना जरूरी है, अदरवाइज बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी। तो इनको बॉडी से रिमूव करने का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है हमारा नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमने बात किया था इंट्रोडक्शन में कि जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है अलग अलग एनिमल में वैरी करता है ना, अलग अलग एनिमल जो है अलग अलग प्रकार के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या नाइट्रोजनस बेस जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं। और इवन क्या होता है, ये जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है कौन सा नाइट्रोजनस बेस रिमूव कर रहा है एनिमल जो है वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट यहां से रिलीज कर रहा है या एक्सक्रीट कर रहा है, उसके आधार पर हम एनिमल को भी अलग अलग प्रकार में डिवाइड करते हैं। नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे, अमोनिया हो जाएगा, यूरिया होगा और यूरिक एसिड होगा। किस पे डिपेंड करता है कि एनिमल जो है वो कौन सा नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट जो है वो रिलीज करेगा, वो डिपेंड करता है कि वो एनिमल किस एटमॉस्फेयर में रहता है। अगर एनिमल जो है वो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में रहता है तो क्योंकि उसको पानी जो है वो इजी अवेलेबल है तो वो क्या करेगा, अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस बेस बॉडी से रिमूव करने का काम करेगा, क्योंकि अमोनिया जो है इजीली वाटर सॉल्युबल होता है ना, इट इज मोर वाटर सॉल्युबल। तो ये क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा वाटर में सॉल्युबल होता है तो एनिमल जो एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में रहेंगे जनरली वो किस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, अमोनिया को एज ए नाइट्रोजनस बेस बॉडी से रिमूव करने का काम करेंगे। और कुछ एनिमल यूरिया को नाइट्रोजन फेस के रूप में रिलीज करते हैं, जनरली ऐसे एनिमल्स जो कि टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहते हैं, है ना। तो टेरेस्ट्रियल एटमॉस्फेयर में रहने वाले एनिमल जो है वो यूरिया एज ए नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट बाहर रिलीज करेंगे। यूरिक एसिड, ऐसे एनिमल जो ड्राई और हॉट कंडीशन दैट मीन्स डेजर्ट कंडीशन के अंदर रहते हैं जनरली वो क्या करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में, यूरिक एसिड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में सॉलिड फिजिकल मटीरियल जो है वो बाहर डिस्चार्ज करते हैं।
तो ये जो नेचर ऑफ एक्सेलरेटेड प्रोडक्ट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर अवेलेबल है तो अमोनिया रिलीज होगा, कम अवेलेबल है तो यूरिया रिलीज होगा, और बहुत ही कम अवेलेबल है तो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस जो है वो रिलीज किया जाएगा, क्योंकि एनिमल जो है उसके लिए वाटर बहुत प्रीशियस है और वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ वाटर को रिलीज नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो किस फॉर्म में रिलीज करता है? सेमी सॉलिड फॉर्म में रिलीज करता है, यानी कि यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस को रिलीज करेगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा बेस्ड ऑन नेचर ऑफ नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट, नेचर ऑफ नाइट्रोजिनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एनिमल्स आर क्लासिफाइड इंटू थ्री टाइप्स। ओके, एनिमल किस तरह का नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर रिलीज कर रहा है, उसके आधार पर हम एनिमल को तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं या तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। अमोनोटैलिक, दूसरा होगा यूरियोटैलिक, और थर्ड हो जाएगा यूरिकोटैलिक। नाम से ही पता चल रहा है अमोनोटैलिक, यानी ऐसे एनिमल्स जो कि क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया एज ए नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट बॉडी से बाहर रिलीज करते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज अमोनोटैलिक। ओके, और यूरियोटैलिक यानी ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिया को एज ए नाइट्रोजिनस बेस्ड प्रोडक्ट बाहर रिलीज करते हैं वो कहलाएंगे यूरियोटैलिक। और ऐसे एनिमल्स जो नाइट्रोजिनस बेस किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज करते हैं, दोज एनिमल्स आर नोन एज यूरिकोटैलिक। ओके, अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं और उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कौन ऐसे एनिमल्स हैं जो अमोनोटैलिक होते हैं, कौन ऐसे एनिमल हैं जो कि यूरियोटैलिक हैं या यूरिकोटैलिक हैं। तो बात करते हैं पहले अमोनोटैलिज्म और अमोनोटैलिक एनिमल। अमोनोटैलिज्म मतलब एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, इज कॉल्ड अमोनोटैलिज्म। ओके, व्हाट इज अमोनोटैलिज्म? एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया is called अमोनोटैलिज्म, and those animal which excrete ammonia as nitrogenous waste product called अमोनोटैलिक। अमोनिया का एक्सक्रीशन कहलाएगा अमोनोटैलिज्म, और वह एनिमल जो अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो कहलाएंगे अमोनोटैलिक। अमोनोटैलिज्म एंड अमोनोटैलिक एग्जांपल देखिए कौन होंगे इसमें। प्राइमरीली एक्वाटिक एनिमल कौन से होंगे? प्रोटोजोआ। प्राइमरीली एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दैट मीन्स अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पॉन्जेस, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके स्पॉन्जेस के पार एनलीड्स, यानी डेरीज जो होता है वो आएंगे इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे आपके इकाइनोडर्म्स एंड बोनी फिशेस। तो बोनी फिशेस और इकाइनोडर्म्स ये सारे एनिमल कैसे हैं? ये अमोनोटैलिक एनिमल है, यानी अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट जो है वो बॉडी से रिलीज करने का काम करते हैं। उसके बाद देखिए सेकेंडरीली एक्वाटिक एनिमल्स जो है जिसके अंदर आएंगे कुछ लार्वा,
secondly aquatic animal, इसमें आएंगे larva of insects, amphibian. इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस के जो लार्वा हैं वो सेकेंडरी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं. नाइट्रोजनस बेस्ड जो है वो अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं. उसके अलावा कुछ एंडोपैरासाइट्स हैं वो भी अमोनिया रिलीज करेंगे. कुछ एक्टोपैरासाइट हैं. एंडोपैरासाइट में कौन सा एग्जांपल आता है देखिए, इसमें आएंगे फेशियोला, लीवर फ्लूक जिसे बोलते हैं, टीनिया, ठीक है. इवन एस्कैरिस जो है वो भी पार्शियली अमोनोटैलिक होता है. ओके, एक्टोपैरासाइट्स जो है उसके अंदर आएगा आपके लीचेस. तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो कि अमोनिया को नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में रिलीज करते हैं. सेकेंड आता है हमारा यूरियोटैलिज्म. यूरियोटैलिज्म मतलब रिमूवल ऑफ यूरिया एज नाइट्रोजिनस वेस्ट इज कॉल्ड यूरियोटैलिज्म. एंड दोज एनिमल विच रिलीज यूरिया एज अ नाइट्रोजिनस वेस्ट are known as ureotelic. Those animals which excrete urea as nitrogenous waste are called ammonotelic. Ureotelic. Okay? यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिलीज करना वो कहलाएगा यूरियोटैलिज्म. और वह एनिमल्स जो कि यूरिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज करते हैं वो कहलाते हैं आपके यूरियोटैलिक. एग्जांपल इसके अंदर आ जाएंगे जनरली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं वो आते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा अर्थ फॉर्म आता है विच बिलोंग्स फाइलम एनिलिडा ऑफ इनवर्टिब्रेट्स. इसके अलावा लैंड गैस्ट्रोपोड्स आते हैं यानी मोलस्का के एनिमल्स जो हैं उसमें क्लास गैस्ट्रोपोडा के आएंगे. इसके अलावा फिर आता है आपके कार्टिलेजिनस फिशेस. और मैमल्स जो हैं वो भी स्पेशली टेरेस्ट्रियल मैमल्स जो होते हैं वो भी यूरियोटैलिक होते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आपके यूरियोटैलिक के बाद. फिर आता है आपके यूरिकोटैलिज्म. थर्ड हो जाएगा यूरिकोटैलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड as nitrogenous waste is called ureotelism. And those animals which excrete uric acid as nitrogenous waste called ureotelic. क्या कहलाएंगे वो? ureotelic कहलाएंगे. ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो कि यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं वो ureotelism कहलाएंगे और ureotelic कहलाएंगे. और यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करना ureotelism कहलाएगा. एग्जाम्पल देखिए, इसमें जनरली इंसेक्ट्स आते हैं सारे के सारे. इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स,
ये सारे के सारे यूरिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजनस फेज जो है वो रिलीज करते हैं। इसके अलावा भी कुछ रेप्टाइल्स जो है वो एलेंटॉइड की फॉर्म में रिलीज करेंगे। ये तो हुए मेन नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट। उसके अलावा भी कुछ एनिमल्स जो है वो दूसरे प्रकार के नाइट्रोजनस बेस प्रोडक्ट रिलीज करते हैं, पार्शियली रिलीज करते हैं। वो क्या क्या एग्जांपल है देखिए, इनके अंदर जनरली आता है आपके अमीनो एसिड्स होंगे, क्रिएटिन ईन होगा, ठीक है। उसके अलावा गुआनिन होगा। तो ये सारे कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं जो कि रिलीज किए जाते हैं अलग अलग एनिमल्स के द्वारा अलग अलग एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर। अब आप देखिए जो यूरिक एसिड होता है, अगर ये एक्सेस अमाउंट के अंदर बने, कुछ जो आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ जो लोग हैं उनके अंदर यूरिक एसिड का अमाउंट जब ज्यादा बनने लग जाता है तो इट गेट डिपोजिटेड इन द जॉइंट्स, जो जॉइंट्स होते हैं हाथों के, पैरों के, उंगलियों के, तो वहां पे वो डिपोजिट हो जाता है। तो ये जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जिन पीपल्स के अंदर जॉइंट्स के अंदर डिपोजिट हो जाता है वो एक पैथोलॉजिकल कंडीशन क्रिएट करता है जिसे हम बोलते हैं गाउट। क्या बोलेंगे? गठिया। गाउट यानी गठिया रोग, है ना। गठिया में क्या हो जाता है, तो एक्सेस अगर अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है वो डिपोजिट हो जाए जॉइंट्स के अंदर या आपके किडनी के अंदर, तो क्या हो सकता है, या तो गाउट हो जाएगा या फिर किडनी फेलियर हो जाता है। ओके, तो किडनी फेलियर वाली सिचुएशन हो सकती है या गाउट हो सकता है। गाउट में एक्चुअल में क्या हो जाता है, यूरिक एसिड गेट डिपोजिटेड इन जॉइंट्स एंड कॉजिंग पेनफुल अर्थराइटिस, ठीक है। तो अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड जो है वो बॉडी फ्लूइड के अंदर बढ़ जाता है वो कंडीशन क्या कहलाती है, गाउट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड है वो कहाँ डिपोजिट हो जाएगा, जॉइंट्स के अंदर डिपोजिट हो जाएगा, और उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पेनफुल अर्थराइटिस हो जाता है, गठिया डिजीज जो है वो हो जाती है। तो ये सारा का सारा एक्सक्रीशन से रिलेटेड इंट्रोडक्शन हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे एक्सक्रीशन के। सो थैंक यू सो मच।